हुण तुसी सुनोगे किस्सा छंब दी रानी दा। योमे दफाए पाकिस्तान पाकिस्तान सानू उस दिन दी याद दिलांदा है जो पाकिस्तान दे शहीदां जरी जवानां ने अपनी सरहदां ते बहादुर ते गयूर पासबाना दी फहरिस्त विच अपना नाम लिखवाया। उन्हां दी बहादुरी ते ना यकीन आने वाले कारनामियां दी किधरे भी मिसाल नहीं लभदी। इन्हां दे इस काम ते वतन दे नाल अपनी मुहब्बत ने नवेकलियां जंगां दी तारीख दे विच एक अलग ही मुकाम बना लिता। जदों मैं इस हवाले दे नाल एक स्टोरी कवर करन लगी ते मैनूं एक नवेकली जिही कहानी लभी जिहदा टाइटल पढ़ के ही मैं हैरान ते परेशान रह गई। क्यों, जो टाइटल सी छंब दी रानी। छंब दी रानी ए टाइटल पढ़ के पहले तो मैं बहुत ही हैरान हुई कि 1965 दे विच कड़ी रानी आ गई सी ते इस जंग दे नाल इहदा की तालुक सी। मेरा तजस्सुस एकदम वध्या ते मैं कोशिश कीती कि एदे हवाले ना कुछ मालूमात इकट्ठियां कर सका, पर मैं नाकाम हुंदी नजर आंदी सां। तद दी मेरी नजर पाकिस्तानी फौज दे शोबा तालुका ते आवां ISPR दी किताब दे उत्ते पई जिहदे विच 1965 दे हवाले दे नाल रिपोर्टां छापियां गईयां सन। इस किताब दा नाम इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 अ फ्लैशबैक सी, जिहदा पहला एडिशन जंग दे खात्मे दे ऐन इक साल दे बाद यानी सितंबर 1967 दे विच शाया कीता गया। इस किताब दे विच बरतानवी अखबार डेली मेल ते दी मिरर दे विच शाया होण वाले मजामीन शामिल कीते गए ने। 116 सफात दे उत्ते मुश्तमिल है किताब चविंडा दी तारीखी टैंकां दी जंग तो लै के छंब दी रानी दी कहानी तक बहुत कुछ अपने अंदर समाये हुए है। हुण मेरा तजस्सुस मजीद वध गया कि आखिर मामला की है, कौन है छंब दी रानी ते इन्हें 1965 दी जंग दे विच भारतीयां दे खिलाफ की कारनामे अंजाम दिते ने। ऐ जानन दे लई जदों मैं ISPR दी जारी करदा किताब दा मुतालिया कीता ते एक आर्टिकल सामने आ गया जिंदा टाइटल सी द क्वीन ऑफ छंब, यानी के छंब दी रानी। मैं नाले नाले तुहानूं दस्सदी चलां कि 1965 ओ वरा है जदों पाकिस्तान ते भारत दे विचकार 17 दिन तक मुसलसल जंग जारी रही जिदे विच भारत वल्लों 1,00,000 फौज ते पाकिस्तान दे वल्लों सिर्फ 60,000 फौजियां दा मुकाबला सी। पाकिस्तान फौज दे नडर जवान छंब सेक्टर दे पहाड़ां दे मौजूद दुश्मनां दे फौजियां दी गोलाबारी दे बावजूद मैदान तो पिछे हटन दी बजाय अग्गे वधे ते मोर्चा तो उन्हां नूं भज्जन तो मजबूर कर दिता। पाक फौज दे जियाले अपनी जानां दे नजराने पेश करदे होए इस हद तक अग्गे चले गए कि बुजदिल भारती अपने सारे आनी मोर्चे छड्ड के इंज दुम दबा के नसे ते अपनी जुतियां ते निकरां वी दरिया तवी दे किनारे छंब दे मैदान ते विच छड्ड के नस गए। छंब महाजों तो लड़न वाले बहादुर जवानों के किस्सों एक लिखारी ने अपने एक आर्टिकल दे विच बयान किया जो कि 11 सितंबर 1965 नूं इंडोनेशिया दे अखबार हेरल्ड दे विच शाया होया। ओदे विच ही ओ अपनी कहानी सुनांदा है कि छंब दे मुकाम ते ओनू छंब दी रानी किवें दिसी। अज मैं तुहानू उन्हां दी ही जुबानी इस किस्से नूं अपने लफ्ज़ां राही बयान करके दसांगी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੰਬ ਦੀ ਬਟੇਲੀਅਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਟੇਲੀਅਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਵਰ ਤਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੰਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਉਸ ਖੂਬਰੂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਮਾਂਡਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਜਸਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੰਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਤੇ ਪੁਰਮਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਥਕਨ ਉਤਰ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਛੰਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਆਏ। ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਬੈਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੰਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਵਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੰਬ ਤੇ ਸੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਛੰਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ।
फिर सवेरे बांगा वेले ऑफिसर अजान दे रहे ने। मैं हाथ मुंह धो के नमाज पढ़ी ते फिर सीधा मैस विच चला गया। उथे चाह शाह पीती, तगड़ा नाश्ता किया। उस तो बाद बैटरी ऑफिसर मैनू अपनी गड्डी दे विच बिठा के छंब दे वल निकल पए। लिखारी सानू दसता है कि छंब एक बहुत ही खूबसूरत थां है, जिथे दी सवेर दी ठंडी हवा दे विच मकई दे खेत खुशी दे नाल कदी इधर ते कदी उधर झूलदे पए सन, ते दरियाए तवी किसे नीले रेशमी रिबन दे वांग लग रहा सी। तकरीबन एक घंटे की मुसाफत के बाद जो असी छंब के मुकाम ते पहुंचे ते मेरिया नजरां दूर दूर तक छंब की रानी नू लभन डै पईआं। ए वेख के बैटरी कमांडर पहले ते हसया, फिर दूर परे एक जगह ते इशारा करके कहंदा है, ओ वेख मेरी महबूबा खड़ी। जदों मैं ओदे इशारे वल वेख्या ते उथे 25 पौंडर फील्ड गन मौजूद सी, यानी के एक तोप मौजूद सी। ते जनाब छंब दी रानी इक तोप सी, ते जान के तुहानू हसी जरूर आई होगी, पर एदी कीमत ते अहमियत दा अंदाजा ओही ला सकदा है जिन्हें इस तोप नू इस शाहकार नू फड़िया। क्योंकि छंब दे मुकाम ते फड़ी गई सी, इसलिए एनू छंब दी रानी आख्या जांदा है। ए किस्सा इस किताब दे विच सफा नंबर 83 दे उत्ते मौजूद है। ऐसे तरह दे बहुत सारे किस्से तुहानू इस किताब दे राही लब जांदे ने, तुसी भी इन्हां किस्सियां नू पढ़ो ते महसूस होवो। ए किताब तुहानू ऑनलाइन भी लब जांदी है ते ISPR दी वेबसाइट दे उत्ते भी पई हुई है।